तो आज मेरे सवाल का नाम है माइनक्राफ्ट बेडरॉक ओनली वर्ल्ड में, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बेडरॉक की लेयर और कुछ नहीं, और ये आपको जो छोटा सा दिखा वो मैं हूँ। तो मुझे सर्वाइव करने 100 डेज, तो सबसे पहले मुझे एक विलेज ढूंढनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत चलने के बाद मुझे एक विलेज मिल जाती है। फिर मैं इस विलेज को थोड़ा बहुत लूटू, जैसे बेड और खाना ले लेता हूँ, फिर थोड़ी लकड़ी लेता हूँ, उससे अपने लिए टूल्स बनाता हूँ जैसे एक्स और पिकएक्स, फिर आयरन गोलम से पंगे लेकर उसको पेल देता हूँ, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और मुझे सिर्फ 3 आयरन देता जो कि बहुत कम थे। इसके बाद मैं कुछ हत्याएं करता हूँ एनिमल्स की, फिर मैं यहाँ से डर्ट इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि बाद में काम आती मेरे बहुत, और इसके बाद मैं एक नई विलेज के तलाश में चला जाता हूँ, और थोड़ा सा चलने के बाद मुझे एक और विलेज मिल जाती है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी लूटता हूँ, सब ले लेता हूँ जो कि काम का था, आयरन गोलम को भी पेल देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे थोड़ी हत्याएं करता हूँ एनिमल्स की, फिर मैं यहाँ से लावा लेता हूँ जो कि बाद में काम आता मेरे, और यहाँ से भी सारी डर्ट इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, फिर चल पड़ता हूँ एक और विलेज के तलाश में। फिर मेरे को यहाँ पे मिलती है 3 आयरन इंगट, फिर इससे मैं बकेट बनाता हूँ, फिर बकेट से पानी ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे आयरन गोलम पेल देता हूँ। इसके बाद मैं एक विलेज के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं, अपने लिए एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपना ठिकाना यहीं पे बसाने की सोच रहा था, और एक कोबलस्टोन जनरेटर बहुत ही मस्त काम कर रहा था। फिर मैं यहीं पे अपना सारा सामान, जैसे बेड, फर्नेस और क्राफ्टिंग वाले यहीं लगा देता हूँ, और फिर थोड़ी सी चेस्ट बना के इसमें सारा सामान डाल देता हूँ अपना। फिर मैं यहाँ पे ट्रीज की फार्मिंग के लिए सब सैपलिंग्स और ये सब लगा देता हूँ, जिसे ट्रीज हो गए और काम आए मेरे बाद में। फिर मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ और एक होपर बनाता हूँ, और अपने कोबलस्टोन जनरेटर के साइड में लगा देता हूँ ताकि सारे इसके अंदर चले जाएं, और फिर मैं काफी देर तक माइनिंग के लिए चला जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कोबलस्टोन चाहिए थे मुझे। फिर मैं विलेज से पानी ले आता हूँ 2 बकेट, फिर मैं जैसे कोबलस्टोन निकाल के डर्ट की जगह सारा कोबलस्टोन रिप्लेस कर देता हूँ ताकि डर्ट मेरे ट्रीज उगाने के काम आ जाए और फार्मिंग वगैरह के काम। फिर मैं थोड़े से ट्रीज काटता हूँ और फिर ट्रीज का एरिया बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ट्रीज चाहिए थे। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग के लिए चला जाता हूँ। इसके बाद अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता हूँ, मॉडर्न घर टाइप बनाने का सोच रहा था मैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना था क्योंकि रिसोर्सेज कम थी, इसलिए छोटा सा बनाता हूँ मैं। तो ये रहा मेरा कंप्लीट घर, अभी ठीक लग रहा था ये। इसके बाद मैं आयरन गोलम पेलता हूँ जहाँ पे विलेज में स्पॉन किया था, और फिर सारे ट्रीज उग गए थे तो उनको भी काट देता हूँ मैं। फिर मैं अपना सारा बाहर का सामान अंदर वाली चेस्ट में डाल देता हूँ और कोबलस्टोन की माइनिंग पे चला जाता हूँ फिर से। इसके बाद मैं एक मॉब फार्म बनाता हूँ जिसकी मेरे को जरूरत थी रिसोर्सेज के लिए, जैसे बोन मील और वो सब। मॉब फार्म कंप्लीट होने के बाद बहुत मस्त काम कर रहा था, बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे यहाँ पे। इसके बाद मैं थोड़े से ट्रीज काटता हूँ क्योंकि मुझे चारकोल बनाना था, और मैं सारे वुड को फर्नेस में डाल देता हूँ। फिर मैं अपने घर में थोड़े चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे वुडन स्टेयर्स लगा देता हूँ और चारकोल की टोटरीज बना के घर पे स्पैम कर देता हूँ ताकि मॉब स्पॉन ना हो। फिर मैं विलेज में जाके सारे डर्ट ले आता हूँ जितनी भी थी, क्योंकि मुझे एक फार्म बनाना था, और साथ ही साथ मैं वहां से एनिमल्स भी ले आता हूँ अपने घर के नीचे रखने के लिए, वो क्योंकि एक छोटा सा फार्म टाइप ही था ये। इसके बाद मैं थोड़ी देर मॉब्स को मारता हूँ, फिर मैं अपने घर के पीछे एक छोटा सा फार्म बनाता हूँ, तब मैं क्योंकि मेरे को हॉर्स चाहिए था तो, और मेरे को वीट की जरूरत थी उसको टेम करने के लिए। फिर मैं हॉर्स को टेम करने जाता हूँ तो ये लगभग सारा ही खा लेते हैं मेरा। मेरे को एक हॉर्स मिल जाता है लेकिन इसकी हेल्थ बहुत कम थी और स्पीड इतनी कुछ खास लगी नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं फिर से फार्मिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा हॉर्स लेना था। तो मैं व्हाइट हॉर्स को टेम करना चाहता था और पता नहीं क्यों ब्लैक हो जाता है। इसकी स्पीड मेरे को ठीक लगी तो मैं इसको अपने घर ले आता हूँ और चला जाता हूँ विलेज ढूंढने। फिर काफी देर चलने के बाद मुझे फाइनली एक विलेज मिल जाती है, फिर मैं इसको लूट लेता हूँ, आयरन गोलम भी पेल देता हूँ। फिर मेरे को चेस्ट में मिलती है ऑब्सीडियंस कुछ, और एक हॉर्स आर्मर वो भी डायमंड का। तो आगे जाके मैं कुछ विलेजेस को लूटूंगा, बहुत ज्यादा लूंगा, मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा, बट इसमें वॉइस ओवर का गाना होगा तो आप इंजॉय कर लेना उसको। मेरा घर बन के कम्प्लीट हो चुका था, और ये ऊपर में रखने वाला था अपना नेदर पोर्टल, तो ये बढ़िया लग रहा था पूरा कम्प्लीट होने के बाद। ठीक है, समझ गया। फिर मैं जगह ढूंढता हूँ एक फार्म बनाने के लिए जहाँ पे खाने वगैरह उगा सकूँ मैं। इसके बाद मैं काफी ज्यादा पिकेक्सेस बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास आयरन की कमी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना स्टोन की पिकेक्स बनाए। फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने सारी पिकेक्स का यूज करके। A few moments later. मैंने काफी माइनक्राफ्ट के दिन माइनिंग की और मेरे पास इतने सारे स्टैक्स आ गए इसके। फिर मैं नीचे चेस्ट लगा के उसमें सारा अपना स्टोन डाल देता हूँ और चला जाता हूँ विलेजर्स को लेने, क्योंकि मेरे को चाहिए थे विलेजर्स ट्रेडिंग के लिए।
फिर मैं एक विलेज को निकालने के लिए यहाँ पे नीचे की बोर्ड तोड़ता, तो बोर्ड के साथ साथ विलेज भी गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो। मैं उसको बोर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैं जब उसकी जगह दूसरे विलेज लाने लगा था तो मेरे को पता चलता है वो यहाँ पे पता नहीं कहाँ से वापस आ चुका है। फिर मैं यहाँ सब विलेज की ट्रेड वगैरह चेंज करने लगता हूँ जिनको अच्छा खासा बनाने के लिए, ताकि वो मुझे सही से बांधे। तो काफी देर तक तो यही करता हूँ मैं। फिर मैं अपनी चेस्ट से सारे वुड्स निकाल लेता हूँ और उनके प्लैंक्स बना के एक अलग चेस्ट में डाल देता हूँ सभी को, और कोबल स्टोन को भी दूसरे वाले चेस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ सभी। फिर यहाँ पे एक नई चेस्ट लगाता हूँ वहाँ, फिर मैं अपनी थोड़ी सी स्टिक्स बनाता हूँ, थोड़ी क्या बहुत सारी बनाता हूँ, और विलेजर से ट्रेड करता हूँ, उनको अपग्रेड करता हूँ, दोनों को कर देता हूँ। फिर वेपन स्मिथ में एक सॉल्ट लेता हूँ और फिर कोबल स्टोन को मैं स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। सब कोबल स्टोन स्मेल्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को कैसल बनाना था बहुत बड़ा। 3 hours later तो काफी माइनक्राफ्ट गेम बीत चुके थे और मेरा सारा कोबल स्टोन सोन बन चुका था। अब मैं रेडी था एक कैसल बनाने के लिए, बहुत बड़ा कैसल, छोटा मोटा भी नहीं। लेकिन उससे पहले मैं फार्मिंग करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे विलेजेस को बिल्ड करना था और मैं इन सब विलेजेस को कैरेट्स दे देता हूँ, पर ये पता नहीं क्यों बिल्ड नहीं करते हैं। फिर मैं बहुत सारे मॉब्स मारता हूँ थोड़ी देर और फिर से ट्रेड करता हूँ विलेजर्स से। तो वेपन स्मिथ की मुझे डील अच्छी लगी तो मैं सब एक्सिस खरीद लेता हूँ, फिर सब एक्सिस को यहाँ डाल देता। फिर मैं सब बहुत सारा स्टोन लेता हूँ और बहुत सारी लकड़ियां भी काटता हूँ क्योंकि मुझे कैसल बनाना जाना था थोड़ी देर में। और फिर मैं सभी स्टोन का स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ और कैसल बनाने की तरफ निकल लेता हूँ। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. तो ये कैसल इतना बन चुका था मेरे को, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज्यादा काम करना था। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा ये वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम आई और ये थोड़ा सा करप्ट हो गया। तो जब मैंने बैकअप लिया तो सब कुछ रीसेट हो गया था। यहाँ देख सकते हो मेरे डेज भी 0 दिखा रहा है यहाँ पे। इन विलेजर्स ने भी अपना प्राइस बढ़ा दी क्योंकि इनमें से एक बंदा पेल दिया मैंने गलती से। अबे साले। लेकिन मैंने इनसे ट्रेड भी बहुत ज्यादा किया था, देख सकते हो 56 एमराल्ड्स है मेरे पास अभी, बहुत ज्यादा ट्रेड किया इनके साथ। फिर जो नया विलेजर आया था उनको मैं लाइब्रेरी बनाता हूँ और यहाँ पे ये फंस गया था, पता नहीं कैसे इसको छुड़ा देता हूँ मैं। लाइब्रेरी ढंग की ट्रेड दे नहीं रहा था, बट एंड में ये मुझे प्रोटेक्शन 3 देते। फिर मैं अपने स्टोन को स्मूथ स्टोन बनाने के रख देता हूँ और अपने कैसल में बाकी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने लग पड़ता हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल कैसल का आउटपुट जो कि बहुत मस्त लग रहा था। फिर मैं विलेजर्स के बेड्स यहाँ पे ले जाता हूँ सारे, तो मैं लाइब्रेरी से ट्रेड कर लेता हूँ ताकि उसकी ट्री चेंज ना हो, और मैं इन सबके वर्क पहले से तोड़ के कैसल के अंदर बेड के साथ लगा देता हूँ इन सभी का। इसके बाद अपनी चेस्ट में ऑब्सिडियन ले लेता हूँ और पोर्टल बना देता हूँ यहाँ पे, और ये आयरन गोलम मुझे बहुत परेशान कर रहा है तो इसको भी मार देता हूँ मैं। मगर क्यों? फिर सोसा लगा के तो मैं ऑब्सिडियन का ये तोड़ता हूँ आयरन पिकेक्स से, और फिर इसको सजाने की नाकाम कोशिश करता हूँ मैं, पता नहीं ट्राई भी क्यों कर रहा हूँ। और फिर इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं नीचे काम करने चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं तो ऊपर बहुत भयंकर आग लग गई थी, तो मैं इसको बुझाने के लिए ऊपर चला जाता हूँ और मैं इसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए रख देता हूँ। इसके बाद मैं अपना सारा सामान यहाँ से अपने कैसल के ऊपर छत में शिफ्ट करने लगा और फिर आके देखता हूँ तो यहाँ पे पोर्टल एक्टिवेट हो चुका था फाइनली। तो मैं बकेट ले लेता हूँ यहाँ से, लावा निकाल लेता हूँ और अब सारे इस एरिया को तोड़ देता हूँ जो भी फालतू चीज लगी हुई थी यहाँ, और फिर बाकी बचा हुआ सामान भी इधर ऊपर चेस्ट में डाल देता हूँ। फिर मैं थोड़े बहुत ट्रीज को तोड़ता हूँ जो कि काम आने वाले थे, और यहाँ से सारी पिकेक्स भी हटा देता हूँ मैं। फिर ट्रीज के प्लैंक्स बना लेता हूँ और इनके स्लैब्स बनाता हूँ और यहाँ पे अपने पूरे एरिया को कनेक्ट करने लग पड़ता हूँ। तो अब मैंने इतना कुछ कर लिया था जो कि लगभग बहुत कुछ काम किया था मैंने, लगभग सरवाइव कर लिया था 70 to 80 days, क्योंकि ये बहुत हार्ड चैलेंज था। इसलिए मैंने सोचा कि ना पार्ट 2 बनाए जिसमें नेदर में जाएंगे, अंडरग्राउंड को पहलेंगे और विदर भी उसे भी मार देंगे हम, तो बहुत कुछ करना था। तो मैंने सोचा आज को यहीं एंड कर देते हैं। आप लाइक करना मत भूलना और चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।